हसन निसार साहब तशरीफ लाए और चले गए, कासिम शाह साहब, इन सब दोस्तों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क के इनविटेशन पे यहाँ पे तशरीफ लाए। और सुंदस फाउंडेशन का मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उनको और उनकी टीम को, सोशल वर्क डिपार्टमेंट और इनकी टीम को, कि इन्होंने खसूसी तौर पर ये जो इवेंट को ऑर्गेनाइज किया, ये नो डाउट इनके डिपार्टमेंट से रेलेवेंट भी है और ये वक्त की ज़रूरत भी है कि इस तरह के प्रोग्राम्स डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, हमने देखा जिस वक्त कोविड में सोशल वर्क की ज़रूरत थी तो हमारे इन बच्चों ने जो यहाँ पे तशरीफ रखते हैं, इन्होंने जिस तरीके से कम्युनिटी तक पहुँचे, राशन पहुँचाया, लोगों की मदद की, मेरे ख्याल में वो भी एक हिस्ट्री है जो बच्चों ने उस फार्म किया। इस वक्त जो सुंदर फाउंडेशन के कोलैबोरेशन से ये जो इवेंट तौर पर प्रोफेसर महनाज और इनकी टीम ने जो इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया है, मुझे बहुत खुशी है कि जैसे सुहेल वड़ैस साहब, हमारे कासिम अली शाह साहब, बाकी मेहमान जो कह रहे थे कि देखें यूनिवर्सिटीज़ का काम इल्म देना, इसमें कोई शक नहीं, ये प्राइम पर्पज़ है, और बच्चों में वो स्किल को डेवलप करना, ये जो आपने देखा यहाँ पे बच्चों ने जिस तरीके से मेहनत करके अपना हुनर दिखाया, और अहम कंपोनेंट है वो है रवियों का, अखलाकियात का, एथिक्स का। मैं हमारी यूनिवर्सिटी इस पे खसूसी तौर पर, हमारे तमाम डिपार्टमेंट्स इसको फोकस किया हुआ है, और हमारे नज़दीक इल्म और हुनर इम्पॉर्टेंट हैं लेकिन रवैये उनसे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और आज जो मैडम महनाज और उनकी टीम ने जिस तरीके से मेहनत की, इस पहलू को उजागर किया, हकीकत ये है कि अगर यूनिवर्सिटीज़ किसी टाउन में हो, बड़े शहर में हो, अगर वो सिविल वर्क कम्युनिटी की सर्विसेज नहीं परफॉर्म कर रही, तो यकीन करें कि इसका मतलब ये है कि अपने ऑब्जेक्टिव से जो उनका मिशन है वो पूरा नहीं कर रही। तो मैं समझता हूँ कि प्रोफेसर महनाज और सोशल वर्क डिपार्टमेंट ने इसकी बहुत ज़्यादा स्कोप है नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, इनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो हमारे प्रोफेसर हजरात जो इस डिपार्टमेंट से मुंसलिक हैं, जिस तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि इनके बच्चे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करेंगे। मैं अपने मेहमानों का खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें हमारे बच्चों को इनक्रेज किया, हमारे डिपार्टमेंट को जितनी उन्होंने मेहनत की वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए। आप देखें कि जो हमारे मीडिया के लोग हैं, मैं सुहेल वड़ैस साहब, डार साहब जो यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं, हसन निसार साहब आए चले गए, मिनिस्टर साहब सुबह से सेशंस में, असम्बली सेशंस में थे, लेकिन हमारे बच्चों को इनक्रेज करने के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाए, मैं उनका खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रोफेसर सलीम अज़हर साहब, हमारे डीन और प्रोफेसर हज़रात अब्दुल्ला मलिक बैठे हुए हैं, ये खसूसी तौर पर यहाँ पर तशरीफ़ लाए। तो इन सब कोलीग्स का, पार्लियामेंटेरियंस का, प्रोफेशनल्स का हम शुक्रिया अदा करते हैं, और मैं प्रोफेसर महनाज और उनकी टीम से, मुझे बहुत उम्मीद है कि इस तरह के इवेंट जो उनके डिपार्टमेंट का नो डाउट एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, एस्पेक्ट है, तो इसको इसी तरीके से मेहनत से, इसी में ही हमारी इज्जत है, इसी पर्पज़ के लिए यूनिवर्सिटीज़ को, डिपार्टमेंट्स को एस्टेब्लिश किया गया है, इसलिए हमें पे किया जाता है कि हम सोसाइटीज़ के प्रॉब्लम्स को, इश्यूज़ को सॉल्व करें, बच्चों की रहनुमाई फरमाएं। तो मेरा ख्याल है कि हमारे असाज़ा इकराम इस पर पूरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका एक दफ़ा फिर। मैं डार साहब से ज़रूर दरख्वास्त करूँगा कि वो मेरे बच्चों को थोड़ा सा टाइम दें और यहाँ पर तशरीफ़ लें।